YouTube, this is your boy CT and welcome to another vlog. So this vlog is related to an announcement which I wanted to do before I start on with some other video. Me and Bharat are planning for a long ride by the end of this month or maybe starting week of February. Depends on how we can be from our job. Bharat has own business, so he can take out time. But the problem is with me. I need to get from my office so that I can go for a long ride. Before I could go for a long ride, I'll surely make a video on the luggage you need to carry and what exactly you need to prepare for a long ride and what to be taken and what not, what things to be followed, everything. I'll make a short video over that. And also few subscribers have requested that I should make a video of how to set up a saddlebag on a KTM RC200, because there are many videos of Duke, but there is no video of RC. Even their comments were like, "Bhai, Audi ne bhi nahi banaya abhi tak video, and tum banao." I was like, "Okay, let's make a video over that." And wo ek mere traveling vlog ka bhi ek part ho jayega ki travel karte karte main kaise usko manage karta hu luggage ko. Wo sab usme include ho jayega. It's good. राइड एकदम लंबी नहीं रहने वाली है, रहेगी एक मतलब 300 किलोमीटर के आसपास, वन साइड 300 किलोमीटर। डेस्टिनेशन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, जल्दी हो जाएगा, बट देर आर मोर चांसेस ऑफ त्रंबकेश्वर और भंडारदारा। लेट्स सी क्या प्लान बनता है, उस हिसाब से आपको बता दूँ। लेकिन भाई तो अभी नेपाल में है, वरना ये कहीं मिल जाते थे अगर पॉसिबल होता तो। इसलिए समवेयर वो यर इन पवाई से मुंबई का निकल। ट्रैफिक यार, अर्ली मॉर्निंग में भी ट्रैफिक, 9:30 का शिफ्ट है, 10 बजे में अभी तक ट्रैफिक नहीं आता। टुडे माय बॉस इज गोना स्क्रू मी अप लाइक हेल। मैंने फक्त टच झालेला ध्यान में ही नहीं रहा मेरे, और लग गया सिर्फ। और मेरा जॉब लोकेशन जो है ये एरोली से चेंज होके मरोल हो गया है, इज आर कुछ माई जॉब। इसकी वजह से ये हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेन ट्रैवल करना पड़ता है बदलापुर से। अगर बाई चांस कभी बाइक लेके भी आया तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये मतलब हवा ही लेक सुबह सुबह मस्त लगता है, यहाँ पे इससे भी मस्त तो शाम के टाइम पे लगता है। क्या है कि यहाँ पे ना पार्किंग का बहुत लफड़ा है, रोइंग वैन खड़ी ही रहती, पार्क किया नहीं कि उठा लेते, और यहाँ का पार्किंग है नहीं, पार्क करके फिर उधर जाना पड़ता है। तो बहुत सही है वैसे बैठने के लिए, चिल आउट करने के लिए प्लेस अच्छा है। एक मिरर भी है ना, इसका कहीं अवेलेबल नहीं हो रहा यार। कोई भी अगर देख रहा हो, जो पुराना वाला जो मिरर है जो 2016 KTM RC को आता है,
वो वाला अगर मिरर कहीं पे अवेलेबल होगा तो प्लीज़ यार मेरे फेसबुक पे या मेरे इंस्टा आईडी पे कहीं पे भी डीएम कर देना मुझे, मैं आके पिकअप कर लूँगा, या अगर पॉसिबल हो उसको कुरियर करना हो तो आप मुझे कुरियर भी कर सकते हो, मैं आपको फर्दर डिटेल्स वहीं पे बता दूँगा डीएम पे। प्लीज़ अगर चेक करो ये अवेलेबल है कहीं पे तो मुझे बताओ यार, अच्छा नहीं लग रहा, काफ़ी महीनों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ के जो बदलापुर का KTM सर्विस सेंटर है वहाँ पे मैं जाता हूँ, बोलता है भाई पुराना वाला नहीं है नया वाला ही है, और नया वाला मुझे दोनों चेंज करने नहीं है क्योंकि 1750 यार दो के ही मतलब 3500 तो ऐसे ही दोनों के मिरर के ही चले जाएंगे, ये तो टूटा भी नहीं, अच्छा है इसको तो बंद रखता हूँ मैं क्योंकि इसका यूज़ नहीं करता, मतलब और दिखता है और सेम। या फिर कोई सजेशन हो कि मैं इसको कैसे मतलब कम बजट में इसको रिप्लेस कर पाऊँ तो मुझे बिंदास भेज सकते हो सजेशन, DM कर सकते हो या मेल कर सकते हो desaichetan91@gmail.com पे। यहाँ से राइट से अगर जाएंगे तो आरे कॉलोनी जाते, ये लिंक रोड है, ये एक्चुअली साकीनाका जाता है, सॉरी लिंक रोड तो ऊपर से गया, ये साकीनाका जाता है। यार यहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक है यार, परेशान हो जाता हूँ एक बार। मतलब लेट होना हो तो इतना लेट हो जाता है ना कि साला एक्सप्लेनेशन दे भी नहीं सकते कि इतना लेट क्यों हुआ। हाँ निकल गया, मेरे को लगा नहीं निकल पाता। पाण्याचा अवयव वापर टा अवयव मराठी का भी हो गया, एक पढ़ने का भी मतलब है ना, पढ़ भी नहीं पाता उसको। राइड की बात तो रह ही गई है ट्रैफिक की वजह से, यस राइड रहेगा जो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं भी एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि हर बार जैसे मैं नए नए व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा 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 करके एडिटिंग सुधारने की, वीडियो क्वालिटी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले वीडियो मेरे बहुत गंदे आते थे, मैं खुद मानता हूँ उसको बहुत गंदे थे, फिर भी लोगों ने देखा हूँ। थैंक्स टू ऑल दी सब्सक्राइबर्स हू हैड सब्सक्राइब टू माई चैनल एट दी वेरी अर्ली स्टेज व्हेन आई वॉज लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई विल बी लर्निंग ऑल द टाइम, बट अभी थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव हो रहा है। एक्चुअल में इम्प्लांट करना चाहता था वो अभी आ रहा है, तो फिर भी और टाइम जाएगा मतलब बेस्ट ब्लॉग जाएगा। यहीं से मेन हाईवे निकलना होगा, हाईवे से डालेंगे ड्राइव। आई नो मेरी KTM बहुत अनमेंटेन्ड है उसको मतलब बोलते ना सिर्फ चला रहा हूँ, उसके पीछे खर्चा कर नहीं रहा हूँ, खर्चा मेरा जो भी है हो रहा है वो सिर्फ निंजा और TNT पे हो रहा है। क्योंकि फाइनली अभी मैं मेरे ऑफिस एरिया में पहुँच गया हूँ, ठीक है एग्जैक्टली ऑफिस लोकेशन तो बता नहीं सकता, यस आई कीप यू अपडेटेड और ऑल द स्टफ जो मेरे नए प्लान होने वाले राइट प्लान उसके बारे में मैं आपको अपडेटेड रखूँगा, ठीक है। और इस मिरर के बारे में अगर कुछ भी इन्फो हो प्लीज़ मुझे पिंग कर देना, DM कर दो इंस्टा पे या फेसबुक पे मैसेज कर देना पर्सनली, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, फिर मैं आपको बता दूँगा कि एक्जैक्टली क्या करना है, आप मुझे भेज पाओगे या फिर जो भी है XYZ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, जो कर सकते हो करिए मेरे लिए प्लीज़। और यस लिव फ्री राइड हार्ड।